हेलो एवरीवन, दिस इज हरिंदर साहू फ्रॉम किंग रिसर्च एकेडमी। आप सभी लोगों का स्वागत है इस यूट्यूब चैनल में, जो आप सभी लोगों को ध्यान में रख के फ्री ऑफ कॉस्ट स्ट्रैटेजी दी गई है और फ्री ऑफ कॉस्ट कमाने का एक जरिया, एक प्लेटफॉर्म दिया गया है, यस, विद पावरफुल स्ट्रैटेजी। तो आज जो आज वीडियो बनाने का मेरा पॉइंट ये है मेरे भाई, आज मार्केट स्टार्टिंग में गैप अप खुला, निफ्टी बिल्कुल टॉप पे खुला, कम से कम 3% ऊपर खुला, उसके बाद नीचे आया, नीचे एक सपोर्ट लेके एग्जैक्ट जो हम लोगों ने डिसाइड किया है, जो हम एजुकेशन देते अपने क्लास में, वहीं से उसने बाउंस बैक लिया। और ऐसा नहीं कि सिर्फ एक स्ट्रैटेजी है, कम से कम दो मेरी वो पावरफुल स्ट्रैटेजी के अंदर आया था, वहीं से निफ्टी और बैंक निफ्टी वहां से बाउंस बैक दिया। चलो ये हो गया मेरा पर्सनल सीक्रेट जो मैं क्लास में सिखाता हूँ, बट जो लोग मेरे साथ नहीं जुड़ पाए हैं, जो लोग मेरे साथ नहीं मेरा वर्कशॉप अटेंड कर पा रहे हैं कोरोना वायरस के वजह से, अपने अपने घर में हैं, जो लोग ऑनलाइन कर रहे हैं, सैल्यूट है गाइस, थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, मैं इसमें एक बात करना चाहता हूँ, अपनी ORB स्ट्रैटेजी, यानी कि ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी। स्टार्टिंग में ही जो ओपनिंग का रेंज ब्रेकआउट होगा, चाहे ऊपर ब्रेकआउट करेगा तो बाई करेंगे, नीचे ब्रेकआउट करेगा तो सेल करेंगे, जो मैंने यूट्यूब में ऑलरेडी वो पावरफुल सेटअप आपको दिया हुआ है फ्री ऑफ कॉस्ट। गाइस बिलीव मी, पब्लिक छोटी छोटी इंडिकेटर बेस्ड स्ट्रैटेजी से आपको एन नंबर ऑफ पैसा इकट्ठा कर लेती है, 20-25-30-40,000 में बेच देती है। यहाँ पे मैंने एक नहीं 8 से 9 स्ट्रैटेजी फ्री ऑफ कॉस्ट दी है, उसमें से एक ये जो CPR नैरो रेंज ORB स्ट्रैटेजी है, दिस इज प्योर इंट्राडे स्ट्रैटेजी एंड दिस इज प्योर सीक्रेट ऑफ किंग रिसर्च। तो ये मेरा पेटेंट है, ये स्ट्रैटेजी मार्केट में कोई कॉपी नहीं कर सकता, इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने कॉपीराइट लिया हुआ है। तो मैं आ जाओ, मोस्ट पावरफुल इंट्राडे स्ट्रैटेजी CPR नैरो रेंज ORB 90% एक्यूरेसी लेवल इन स्टॉक फ्यूचर्स एंड स्टॉक कैश। लाइव प्रूफ मैं आपको दिखाता हूं आज कौन कौन से स्टॉक्स आए इसके अंदर। गाइस सबसे पहले आप इंडिकेटर कैसे लगाएंगे, मैं वो आपको बता देता हूं कैसे आपको इसके अंदर इंडिकेटर लगाना है। सिंपल सी बात है मेरे भाई, ये देखो यहाँ पे FX जो है, FX जाना है ट्रेडिंग व्यूज में, आप लोगों के लिए मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट डाला हुआ है, ना आपको जीरोधा में मिलेगा, ना एलाइज ब्लू में मिलेगा, ना एंजल ब्रोकिंग में, ना अपस्टॉक्स में, किसी अकाउंट ब्रोकर में आपको इंडिकेटर नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग व्यूज में फ्री ऑफ कॉस्ट किंग रिसर्च अकेडमी ने अपने डेवलपर से बनवा के आप लोगों के लिए फ्री में डाला है, आपको एक रुपये नहीं देगा, राइट। तो यहाँ पे डालिए CPR, जैसे ही CPR डालेंगे, देखिए बहुत सारे लोगों के हैं, किसी का 400, 500, 200, 100 लाइक्स आ रखे हैं, हमारा सबसे टॉप पे जो खड़ा है 2572 लाइक्स के साथ जो खड़ा है, इस CPR पे आप क्लिक कर लोगे, जैसे ही CPR पे आप क्लिक करोगे मेरे भाई, देखो ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट CPR का जो लेवल है सारा यहाँ पे प्लॉट हो जाएगा, राइट। अब मैं आपको बता दूं, ये देखो सर, ये जो हमने CPR स्ट्रैटेजी लगाई, ये देखो सेटिंग का है, अगर आप इसको लगाना चाहते हो, देखना चाहते हो, तो इस आइस पे हाइट पे क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली जो भी इंडिकेटर है वो डिलीट हो जाएगा, और जैसे इस पे क्लिक करोगे इंडिकेटर आ जाएगा, राइट। तो इसमें जो बहुत सारे लोगों का क्वेरी है, सर हम लोगों को समझ में नहीं आ रही लाइन कौन सा CPR है, क्या है अपर लाइन कौन सा है, मेरे भाई ये देखो एक सेटिंग का ऑप्शन है, यहाँ सेटिंग पे क्लिक करने का, ये वाला लाइन S3 है, यानी कि नीचे की तरफ, ये R3 है, S1, R1, S2, R2 ये पिवट पॉइंट्स है, PP यानी कि जो बीच का जो एक ब्लू ले रहा, मजेंटा कलर का, ये जो एक विच कलर इज दिस, जो भी ब्लू वाला ले लो भाई, तो ये जो ब्लू कलर का है ये पिवट पॉइंट्स है, PP लाइन होती है, ठीक है। इसके ऊपर CR यानी कि CR अपर लेवल का, और CS नीचे का, राइट, सेंट्रल रेजिस्टेंस, सेंट्रल सपोर्ट, ये दो लाइन है। तो ये जो ग्रीन कलर की है इसके पास में, ये ऊपर का, तो ये तीन लाइन की बात कर रहा हूं जो मेजर, इन्हीं को देखना है, इसी के बेस पे आप एंट्री लोगे, इसी के बेस पे आप स्ट्रेटेजी को फॉलो करोगे। तो यहाँ पे आप जाके अपनी सेटिंग चेंज कर सकते हो, और भाई जैसे डॉट डॉट लाइन आ रहा है, आप डॉट डॉट की जगह लाइन देना चाहते हो तो लाइन दे दीजिए, जो आपको देना चाहते हो वो दे सकते हो, राइट। जैसा आपको सेटिंग करना है, जैसा आपको देखना है वैसे दे सकते हो, प्री डिफाइन मैंने कुछ जो मेरे को अच्छा लग रहा था मैंने वो सेटिंग करके दे दिया है आप लोगों को, अब बाकी आपका काम है अपने हिसाब से सेटिंग। अब कम टू द स्ट्रैटेजी, आज देखते हैं
किन किन स्टॉक्स में आज काम हुआ है, टोटल मेरे नजर में जो मैंने ये स्टॉक सिलेक्शन बना रखा है, स्टॉक लिस्ट बना रखी है, ये मेरी पर्सनल स्टॉक लिस्ट है, इन्हीं स्टॉक लिस्ट के अंदर मैं ट्रेड करता हूँ, इन्हीं स्टॉक लिस्ट के अंदर मैं पैसा बनाने की कोशिश करता हूँ। आपको हिंट दे दूं, जो लोग कहते हैं कि सर CPR का ट्रेडिंग लिस्ट मेरे को दे दो, भाई जो फ्यूचर के ट्रेड है यानी कि जो वोलेटिलिटी वाले स्टॉक्स होते हैं मैं उसको पकड़ता हूँ, जिसमें लिक्विडिटी की कमी है मैं उस स्टॉक में हाथ नहीं लगाता, ये चीज ध्यान दे दो। तो जो फ्यूचर के ट्रेड है, जो भी आपको एक गूगल में डालोगे फ्यूचर लिस्ट, तो आपको फ्यूचर लिस्ट आ जाएगा, वो डाउनलोड कर लो और यहाँ पे सिंबल्स को ऐड कर लो, आपको बहुत आसानी होगी। मैंने वही चीज कर रखा है, उनमें से भी कुछ मैंने फिल्टर करके करीब करीब 100 लिस्ट 100 110 112 स्टॉक्स में लिस्ट बना रखी है। मेरा सीक्रेट है ये, मैंने सीक्रेट इन द सेंस ये मेरा पर्सनल मेरे फेवरेट स्टॉक्स है जिनके अंदर मैं अपनी पोजिशन लेता हूँ, चाहे स्ट्रेटेजी चाहे दूसरी स्ट्रेटेजी से, राइट। तो गाइस मजे की बात, पहला स्टॉक सिलेक्शन जो हमें मिला वो है ACC, देख लेते हैं ACC, ठीक है। अब देखते हैं कंडीशन फुलफिल है कि नहीं है, और जो लोग ये मेरा पहली बार वीडियो देख रहे हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा ये वीडियो देखने से पहले एक बार इस वीडियो को CPR नैरो रेंज ORB स्ट्रेटेजी आप किंग रिसर्च की स्ट्रेटेजी को एक बार देख लेना। आप लोगों ने 30,330 व्यूज ऑलरेडी दिए हुए हैं, इस स्ट्रेटेजी को देखना ना भूले, इस स्ट्रेटेजी को देखने के बाद ही इस यहाँ पे आना, क्योंकि यहाँ पे मैं रिकैप ले रहा हूँ कैसे वो स्ट्रेटेजी काम कर रही है नहीं कर रही है, कैसे स्टॉक सेलेक्शन किया वो मैं आपको बता रहा हूँ। भाई ACC आया, पहला 15 मिनट्स का आपको चार्ट लेना, कंडीशन क्या है 15 मिनट का चार्ट लेना है, 15 मिनट का चार्ट लगाया। अब सेकेंड कंडीशन, भाई जैसे ही ये आपका 15 मिनट्स का चार्ट है राइट, तो आपको स्टॉक सिलेक्शन कैसे करना है, सबसे पहले 9:15 पे जैसे मार्केट खुले 9:15 9:16 पे आपको देखना है जो ये जो स्क्वीज हो गया है लाइन, देखो ये है 3 लाइन CPR का, ये देखो ये 3 लाइन है CPR का, देखो ये 3 लाइन है CPR का, तो ये वाइड रेंज है, ये नैरो रेंज है राइट, समझ में आया, 3 लाइन जितनी क्लोज होंगी उतना नैरो रेंज है वो, तो ये दिस इज नैरो रेंज। तो कंडीशन पहला नैरो रेंज होना चाहिए था, 9:15 9:16 एक मिनट में आपको पता चल जाएगा नैरो रेंज कौन कौन से स्टॉक में है, आप यहाँ पे सारे चेक करके देख लेंगे, पहले 50 स्टॉक से लो, फिर 60 करो, 70 करो, 80 करो, प्रैक्टिस करोगे आपको बहुत इजी होगा, 2 मिनट नहीं लगते सर स्टॉक सिलेक्शन करने में नैरो रेंज कौन सा है। नैरो रेंज आ गया, आने के बाद आपको मिनिमम 15:15 के 2 मिनट का कैंडल का गेम है, अगर पहला 15 मिनट का कैंडल छोड़ देना है तो दूसरा कैंडल बनेगा, अगर ये कैंडल जो सेकेंड कैंडल है अगर ये कैंडल पहले वाले हाई और लो के बीच में बना है, यानी कि एक तरह से कह लो प्रेग्नेंट लेडी, आई मीन टू से मेरे भाई, इन आसान शब्दों में मैं आपको बताऊं, सपोज करो ये पहला रेड कैंडल है, चाहे रेड हो ग्रीन हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, समझना ध्यान से स्ट्रेटेजी, नहीं समझ में दोबारा रिवाइंड करके देखना आपको समझ में आएगा, सिंपल सी बात है, पहला कैंडल के बीच में कैंडल होना चाहिए। सपोज करो ये ऐसा आ गया और आपका कंफ्यूजन दूर कर देता हूं, ठीक है बड़े भाई, हाई और लो, फर्स्ट कैंडल, फर्स्ट 15 मिनट का कैंडल हाई और लो के बीच में सेकंड कैंडल होना चाहिए, प्रेग्नेंट लेडी बनना चाहिए, टेक्निकल टर्म्स है ये प्रेग्नेंट लेडी, ज्यादा कंफ्यूज मत होइए कि ये अलग से क्या आ गया भाई, सिंपल चीजें हैं। तो देखो ये ग्रीन कैंडल, उसके बीच में ये बना, जैसे ये बन गया, ये दो कैंडल का सेटअप है, कॉम्बिनेशन है, जैसे ही ये चीज बनेगी आपको 15:15 यानी कि आधे घंटे बाद तुरंत एक स्कैन करना है, आपको वो लिस्ट आ जाएगी कौन कौन सी बनी है, राइट। तो पहला CPR नैरो रेंज देखना था, मान लो 10 स्टॉक नैरो रेंज के अंदर आ गए, उसके बाद दूसरी कंडीशन दो कैंडल ऑफ कॉम्बिनेशन, अगर दो कैंडल ऑफ कॉम्बिनेशन हो गए तो उन 10 में से हो सकता है 3 ही रह जाए, 4 ही रह जाए, तो वो 4 हो गए। अब मार्क कैसे करना है भाई, देखो ACC का आप यहाँ पे देखो ये मार्क कर सकते हो, रेड कलर, ग्रीन कलर, ब्लू कलर, जो मन करे आप यहाँ पे दे सकते हो, तो आपको समझ में आ जाएगा ये स्ट्रेटेजी इसके अंदर है, ठीक है। अब ऐसा करा आपने, करने के बाद लो ब्रेक करेगा तो सेल, हाई ब्रेक करेगा तो भाई देखो इसने, इसका लो क्या था मेरे भाई, यहाँ पे देखना, इधर चेक करना, इसका लो क्या था 1168.30 पैसा, यहाँ पे आपने इसके लो के नीचे बफर लगा के सेल किया, सेल करने के बाद आप खुद देख लो 1168 से मेड अ लो 1136,
यस 11:36। देखो कैलकुलेट कर लेते हैं कितने पॉइंट्स मिले। आप ट्रेड करते हो ₹1 ₹2 चिंदी के लिए और आपका भाई ने एक स्ट्रेटजी दी है पावरफुल बड़े सेटअप्स के लिए, तो पॉइंट इज इसका लो 1168 माइनस मेड अ लो 1137 ले लो 1137 भाई 30 प्लस पॉइंट्स का इंट्राडे गेम हुआ है और स्टॉक है 1100-1200 रुपए का। 1:2 आप कैलकुलेट कर सकते हो, 1:3 कैलकुलेट कर सकते हो भाई, 1:2 मिले बुक योर प्रॉफिट एंजॉय। सिंपल सी बात, किसी भी सेटअप से लड़ना है, किसी भी सिस्टम से चाहे कितना पावरफुल सिस्टम हो, अगर आपको सिस्टम से फाइट करना है एक्यूरेसी लेवल 50% होनी चाहिए मिनिमम। अगर 50% एक्यूरेसी लेवल है आप आराम से कोई भी गेम को जीत सकते हो स्टॉक मार्केट के अंदर विद रिस्क रिवॉर्ड 1:2 रिस्क रिवॉर्ड मिनिमम हो तो भी ट्रेड ले, अदरवाइज डोंट ट्रेड इन दिस मार्केट और एल्स 50% की उस सिस्टम में एक्यूरेसी लेवल। आप लोगों की दिक्कत क्या होती है, आप लोग सोचते हो बड़ा टारगेट चाहिए। बड़ा टारगेट तभी मिलेगा जब बड़ा सोचोगे, बड़ा टारगेट तभी मिलेगा जब बड़ा सोचोगे। सोचते बड़ा हो लेकिन 2-3 रुपए जैसे ही आते हैं तुरंत बुक कर लेते हो, सोचते यार ये भी ना चले जाए। निफ्टी भाई सोचो, निफ्टी यार टॉप पे खड़ा है, मैं तो सेल कर रहा था, दिमाग लगाया क्या? डोंट यूज योर ब्रेन, जितना दिया उसको प्रॉपर फॉलो करो, स्टॉप लॉस होगा ना होने दो ना, ट्रेड करो स्टॉप लॉस के लिए। SRM स्ट्रेटेजी दिया रिस्क मैनेजमेंट वाली, उस SRM स्ट्रेटेजी को फॉलो करो, ट्रेड करो भाई। स्टार्ट करो 500 रुपए के रिस्क है, 500 रुपए डिवाइड बाई आपको एडवांस में स्टॉप लॉस पता चल गया हाई का, तो भाई यहाँ पे एंट्री है 70 के आसपास, 68 पे एंट्री है, हाई 95 का है। आप बोलोगे बड़ा स्टॉप लॉस है सर, कहाँ 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस आप बता रहे हो, मैंने कब मना किया 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस नहीं है। तो क्या करने का, 500 रुपए रिस्क, 500 डिवाइड बाई 25 रुपए तो क्वांटिटी आ गई। हर ट्रेड ऐसे ही करने का आपको, तो चार ट्रेड मिले चारों ट्रेड करो और देखो मजा। सर सर जब तक ये मनी मैनेजमेंट रिस्क मैनेजमेंट नहीं करोगे, ओपन चैलेंज कर रहा हूँ, इफ यू हैव 90% एक्यूरेसी लेवल स्टिल यू नॉट एबल टू मेक मनी फ्रॉम द स्टॉक मार्केट, गुरु मंत्र बता रहा हूँ ले लेना फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 31 पॉइंट्स का, यानी कि सर 500 रुपए का रिस्क लिया था, 500 रुपए में 1:2 लिया, 1000 रुपए बन गए नहीं बन गए। आदत तो बनाओ बड़ा खाने का, ये मत सोचो 1000 रुपए मिले, ये सोचो भाई 30 रुपए लिए, 20 रुपए लिए, that matters, 1:2 आपने लिया, this is important, समझ में आया आपको? 2% का आपने प्रॉफिट इसमें, 3% के रिटर्न आया इसमें, 3% की रैली आई, सिंपल सी बात है, राइट? तो पहला ACC हो गया, दूसरा मैं स्टॉक सिलेक्शन की बात करूंगा DBSnap, और मेरी रिक्वेस्ट है प्रॉपर सिस्टम फॉलो करो फ्यूचर में, स्टॉक ट्रेडिंग इन फ्यूचर, क्योंकि आप उस लायक नहीं हो फ्यूचर में ट्रेड करने के लायक। पहले कॉन्फिडेंस पैदा करो, जब एक बार कॉन्फिडेंस आए 100 रुपए का रिस्क लो, 500 पे आओ, 1000 रुपए पे आओ, 1500 पे आओ, 2000 पे आओ, 2500 पे आओ, 3000 पे आओ, जब आप कैश में 3000 तक पहुंच जाओगे आओ ना फ्यूचर में ट्रेड करने मार्जिन लेके, सर उस टाइम आपका कॉन्फिडेंस लेवल पता है कितना होगा, नेक्स्ट लेवल पे बैठा होगा। ट्रेड लाइक अ किंग रिसर्च, डोंट ट्रेड लाइक अ चिंदी टारगेट और चिंदी ट्रेलर रिटेलर्स। भाई बुरा मानो मत, मेरी बात कड़वी है बट सच्चाई बोलता हूँ, मैं यूट्यूबर नहीं हूँ भाई, सिंपल सी बात है, आई एम नॉट अ यूट्यूबर कि मैं आपको एडिटिंग करूँ और ये वो, भाई उस चीज के लिए नहीं मैं कमाता हूँ, मैं खुद ट्रेड करता हूँ। मेरा रिजल्ट देखना हो टेलीग्राम में मेरा ज्वाइन कर लेना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आज भी मैंने 400 से 500 पॉइंट 10 मिनट के अंदर कमाए हैं। आई विल शो यू द रिजल्ट, आई विल शो यू द गेम, कैसे दिखाऊंगा अभी आपको मैं PPT, वेट एंड वॉच, ठीक है। अब देखो DBSlab आया, हाई और लो, पहला कैंडल एक ग्रीन कैंडल देखो इसके अंदर बन गया, प्रेग्नेंट लेडी बनी। अब भाई ऊपर टूटेगा बाई करेंगे, लो टूटेगा सेल करेंगे, इसने क्या तोड़ा 2381 को तोड़ा और मेड अ लो 2182 के आसपास ने ठोका, 2382 से 2320 कितने पॉइंट्स हो गए बताइए, इसका लो क्या था 2382 माइनस, इसका लो क्या है मेरे भाई, इसका जो भी लो है क्या फर्क पड़ता है, 1-2 रुपए छोड़ दो सर, लो है 2321 भाई, 2321
61 पॉइंट्स, 2400 रुपए का स्टॉक प्राइस है, 2400 रुपीस का स्टॉक प्राइस है, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट 61 पॉइंट्स। अब आप बोलोगे, जो मेरा ट्रॉलर भाई है वो बोलेगा, सर हमें थोड़ा ना पता है 61 का लो है, जो लो लग गया आप तो वो कैलकुलेट कर रहे हो। बिल्कुल सही बोला, तो इसमें थोड़ा सा दिमाग लगा, वीडियो भगा के देखोगे नहीं समझ में आएगा मेरा वीडियो। अगर अभी भगा के देखा है ना, दोबारा रिवाइंड करो स्टार्टिंग से देखो, मैं बीच में अपने लॉजिक्स लेता हूँ, गौर से सुना करो वो लॉजिक्स को। भाई मैंने यहाँ पे 2382 पे सेल कर दिया, सपोज कर दिया, कहाँ पे ट्रिगर हुआ, इस पे ट्रिगर हुआ या फिर इस पे ट्रिगर हो गया, ट्रिगर सेल हो गया, स्टॉप लॉस लगा दिया। जैसे ही 1% का मूव हो, यानी कि 2400 रुपए का 2400 रुपीस का स्टॉक प्राइस है, जैसे ही 24 रुपीस का मूवमेंट हो, कीप मॉडिफाई योर स्टॉप लॉस एट कॉस्ट। 1% के मूवमेंट के बाद तुरंत मॉडिफाई स्टॉप लॉस एट कॉस्ट एंड होल्ड फॉर द बिग रैली। हो सकता है 200 पॉइंट मिले, हो सकता है 500 पॉइंट मिले, जब तक हम होल्ड नहीं करेंगे तब तक कैसे पता चलेगा। तो कीप ट्रेलिंग योर स्टॉप लॉस एंड वेट फॉर द बिग टारगेट। मैं अपने सौदे कभी सामने से नहीं काटता, जाने दो, हो सकता है सर 60 की जगह 100 रुपए मिलते हैं, मुझे कैसे पता चलेगा 60 ही मिला है। कोई मार्केट में जो आपको बता दे 60 ही मिलेगा, नोबडी विल टेल यू इन दिस मार्केट, ब्लफ कर रहा है जो आपको बता रहा है, ध्यान से समझना। मैं क्या है, मैं सिस्टम को फॉलो कर रहा हूँ, 60 क्या 70 भी मिल सकता है, मैं बुक ही नहीं कर रहा हूँ, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा रहा हूँ। भाई कॉस्ट टू कॉस्ट 1% लगाया, वहां से 1% और गिर गया, फिर तुरंत मॉडिफाई स्टॉप लॉस। सिंपल सा लॉजिक है मेरे भाई, दिमाग में ध्यान रखो, अगर 4 रुपए की मूवमेंट होती है 1 रुपए का एसएल लगा, हर 4 रुपए की मूवमेंट पे 1 रुपए का एसएल लगा दो, यानी कि 1 रुपए में 25 पैसे का एसएल लगा दो, फिर 1 रुपए मूवमेंट हुआ तुरंत मॉडिफाई स्टॉप लॉस 25 पैसे का लगा। सिंपल सी बात है, 1/3, समझ में आया, किसी तरीके से पकड़ लो भाई, किसी तरीके से चले जाओ, सब काम करो, बने रहो, हैंग ऑन, बैठे रहो 3 बजे तक, 3:10 तक बैठे रहो, क्या दिक्कत है। क्या होगा सर, प्रॉफिट ही तो नहीं आएगा जो आ रहा था, 1 में नहीं आएगा, 2 में नहीं आएगा, 3 में नहीं आएगा, क्योंकि ये जो सीपीएम एरर रेंज है ना, इसकी खासियत है आपको बड़ा देगा, इसकी स्पेशलिटी है कि आपको बड़ा ही मिलना चाहिए, अगर नहीं मिल रहा है तो सोचो उस दिन चढ़ावा आपने मार्केट को दे देना है। बार बार बोल रहा हूं ये स्ट्रैटेजी यूट्यूब में भरी पड़ी है, ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी, बट मेरा स्ट्रैटेजी की खासियत है ट्रेंडिंग कैसे पकड़ना है, बड़ा गेम कैसे खेलना है, नो 2-4 रुपए का चिंदी टारगेट, सिंपल लॉजिक है, ठीक है। तो डिवीज लैब में 61 पॉइंट्स का भाई, 31 पॉइंट्स उसमें मिला था हमें एसीसी पे, डिवीज लैब में 61 पॉइंट। अब आ जाओ जेएसडब्ल्यू स्टील, मजा देखना, अभी मैं मजा दिखा रहा हूं आपको, ये देखो भाई जेएसडब्ल्यू स्टील बराबर प्रेग्नेंट लेडी। अब सर लो पे कटेगा तो सेल, हाई कटेगा तो भाई, तो लो कट गया, लो कितने में कटा आप देखो, लो कितने में कटा, 173.50 पैसे का लो है, 65 है, 173.50 लगा लिया, 173.50 पे सेल किया, कैलकुलेटर कहाँ है मेरे भैया, आ जाओ आपकी जरूरत है, 163.50 माइनस लो कितना बनाया 170.40, 173.50 माइनस लो बनाया इसने 170.40। एक सेकेंड सर, 173.50 माइनस 170.50, भाई 3 रुपए का मूवमेंट है सर, कैलकुलेट करो, 170-175 का स्टॉक में 3 रुपीज का मूवमेंट आया, तो भाई 1% कितना होता है, 2 रुपए का मूवमेंट होगा, जैसे इसमें 2 रुपए की मूवमेंट आई आपने मॉडिफाई स्टॉप लॉस। अब ये सोच लो आपने कुछ नहीं किया, कॉस्ट टू कॉस्ट मॉडिफाई स्टॉप लॉस एट कॉस्ट लॉस लगा दिया था, इस जगह पे आके ये ऊपर चले गया, आपने क्या हुआ, कुछ नहीं कमाया, यही तो हुआ ना कि कुछ नहीं कमाया, नो प्रॉब्लम, उस दिन जाने दिया, 3 रुपए मिल रहे थे, मुझे पता है आप 2 रुपए के लिए काम करते हो तो आपके हिसाब से मिल रहे हैं, बट ऐसा किंग रिसर्च के हिसाब से कुछ नहीं मिला भाई, ना हमारी जेब से गया ना हमारी जेब में आया, सिंपल सा लॉजिक, यहाँ पे न्यूट्रल हो गया। अब एक और देख लेते हैं कैन बैंक को, कैन बैंक भी देख लेते हैं वही लॉजिक पे,
CAM BK एक सेकंड CAM BK आगे ये देखो मेरे बड़े भाई मौज लो मौज फ्री में मौज लो किसी टिप्स वाले को पैसा नहीं देना किसी को भी पैसा नहीं देना है यहां मैं आपको फ्री में दे रहा हूं फ्री में दे रहा हूं किसी टिप्स वाले को किसी पीएमएस वाले को पैसा नहीं देना भाई सिर्फ सीखने का सोच मेरे भाई मेरी 7-8 स्ट्रेटेजी में एक स्ट्रेटेजी भी पकड़ लेगा पैसा बना लेगा बार बार बोल रहा हूँ कम से कम 10 बार रिपीट कर चुका एक ही चीज को जिससे आपके बुद्धि में माइंड में बैठ जाए भाई ज्यादा पैसा है गरीबों को बांट दे खिला दे उसको दुआ मिलेगी दुआ के लिए काम करो राइट ये देखो मेरे भाई कैन बैंक इतना ब्यूटीफुल नैरो रेंज प्रेग्नेंट लेडी लो पे ठोका कितने पे ठोका 88 पे ठोका सर 88 से कैलकुलेट करेंगे कितना पॉइंट आया भाई साहब ऑलमोस्ट 5% 5% 1% पे मॉडिफाई 1% पे मॉडिफाई 1% पे मॉडिफाई याद है लॉजिक तो भाई 4% मिल गए नहीं मिल गए 5% भूल जाओ 4% तो मिले ना अब सोचो एक ट्रेड जो न्यूट्रल गया कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट बाकी 3 ट्रेड में पैसा ही पैसा बना और सिर्फ हमें मिले नंबर ऑफ ट्रेड ओनली 4 ट्रेड मिले नंबर ऑफ सिर्फ 4 ट्रेड मिले एक न्यूट्रल 3 में पैसा मैं कहता हूं 2 में स्टॉप लॉस 2 में टारगेट 2 में स्टॉप लॉस होगा कितना जाएगा रिस्क मैनेजमेंट है आपके पास सब में आपने फिक्स अमाउंट ऑफ रिस्क का लिया है दिस इज प्योर मैजिक ऑफ रिस्क मैनेजमेंट एंड CPR स्ट्रेटेजी बिलीव में गाइस किसी को पैसा नहीं देना है सिर्फ ये फोकस कर लो ये सर हजारों की स्ट्रेटेजी है मैं फ्री ऑफ कॉस्ट डाल रहा हूँ ये मत सोचो ये फ्री ऑफ कॉस्ट है अगर आपसे इसी के दुनिया आपसे इसी के पैसे नहीं लेती है ज्यादा दिमाग नहीं लगाने और सारे के सारे सेल में आए भाई ये भी देख लो सब में बाइंग किसी में नहीं आया ना निफ्टी नॉन स्टॉप ऊपर है निफ्टी आज देखो ये देखो निफ्टी आज निफ्टी नॉन स्टॉप ऊपर है नॉन स्टॉप ऊपर है खुला ऊपर थोड़ा सा नीचे है फिर ऊपर बट हमने पैसा कमा लिया ये बताना चाह रहा हूं तो क्यों दिमाग लगा रहे हो निफ्टी ऊपर है न्यूट्रल है साइड वेज है वोलेटिलिटी ज्यादा है दुनिया फलाना ढमकाना बोलेगी भाई अपना दिमाग यूज करो बैक टेस्ट करो एक हफ्ता ज्यादा नहीं 100 रुपए के रिस्क पर ट्रेड तो करना पड़ेगा पेपर ट्रेड आई हेट पेपर ट्रेड 100 रुपए का रिस्क लेके वो डिसिप्लिन लेके आओ ट्रेड करके देखो ना सर ये मत सोचो 100 रुपए में क्या मिलेगा ये सोचो यार डिसिप्लिन मिल रहा है कॉन्फिडेंस मिल रहा है जो मैं आपको देना चाहता हूँ बार बार मेरी वीडियो दिस इज इंपॉर्टेंट और गाइज मेरे स्टूडेंट्स कुछ दिख रहा है इसके अंदर मैजिक कुछ मैजिक है इसके अंदर सिखाया मैंने कुछ ऐसा कितना अच्छा गैप चला और कैसे हम गैप के अंदर की चीजों को पकड़ते हैं बाई करते हैं देखो ये वाला भी गैप मिला कैसे ये गैप के साथ गैप मैच हुआ और पैसा मिला देखो एग्जैक्ट हमारे गैप पे आने के बाद वहीं से तेजी ये पहला स्ट्रेटेजी गैप वाला दूसरा स्ट्रेटेजी जो मैं चिल्लाता हूं बार बार मैंने आप सभी स्टूडेंट्स को दिया है क्लास में मैं आई एम सो सॉरी गाइस किसी स्टूडेंट में देता हूं किसी में नहीं दे पाता डिपेंड अपॉन आप कैसे हो अगर आप सही हो मैं 3-4 स्ट्रेटेजी ज्यादा भी दे देता हूं आप सही नहीं हो आप हमारा स्टूडेंट का कैपेसिटी सही नहीं है तो 2-3 स्ट्रेटेजी मैं कम देता हूं थोड़ा सा चेंज कर देता हूं क्योंकि आई हैव सो मेनी स्ट्रेटेजीज तो मेरे को खुद याद नहीं रहता मैं कौन सा स्ट्रेटेजी क्लास में क्या दे रहा हूं मेरा कंटेंट आप लोग तैयार करते हो मैं अपना खुद से नहीं बनाता भाई I'm not going to teach you what is doji. I'm not going to teach you what is engulfing. ये तो YouTube से पढ़ लेना. Engulfing में काम कैसे किया जाता है? वो मैं अपने workshop में अपने class में सिखाता हूँ. Simple सा logic है. सोचो बड़ा player कैसे काम करता है? No चिंदी player. कुछ दिख रहा है logic? वहीं से आया. Nifty check कर ले. Nifty में भी वही logic है. Plus एक और strategy जो मैंने आपको दी हुई है. कौन सी strategy मेरे भाई?
लॉजिक लगाना, कौन सी स्ट्रेटेजी दी है, ये लो और ये लो और ये लो ये लो, कुछ समझ में आ रहा है? ये लो लो लो, ये लो क्यों आया, ये लो क्यों आया? उसके बाद जब ये हायर हाइज था, फिर ये लोअर लोज, दो लो क्यों बनाए? और उसके बाद तेजी आई, अगेन सेम पैटर्न, हायर हाइज, मतलब ये जो लो है, लोअर हाइज, लोअर हाइज, और फिर यही सेम पैटर्न फिर बना, अब फिर नीचे आया, तब ये सेम पैटर्न। सर स्टूडेंट्स, सिंपल स्ट्रेटेजी सिखाई है आपको कुछ, ये वाला एक लॉजिक और दूसरा लॉजिक जो मैं बता रहा हूं। और निफ्टी वाले भाई, बैंक निफ्टी में भी देख लो, फुल मार्केट डांसिंग इन आवर ट्यून। जो मैं टिप्स देता हूं वो तो देता ही हूं, उसके अलावा जो आपको स्ट्रेटेजी दी है वो भी फॉलो कर लोगे तो भी पैसा बन जाएगा। किसी के पास हारा नहीं है, ना हैरियर ना किसी के पास। ये देखो, मजा आया, गैप का मजा आ रहा है, ये गैप देखो और ये गैप देखो, मजा आ रहा है, प्लस और भी कुछ मजा आ रहा है? अगर मजा आ रहा है भाई, जो मेरा स्टूडेंट है, स्ट्रेटेजी का नाम नहीं डिस्कस करेगा, ठीक है, बट जरूर लिख देना वीडियो में, यस हमें पता है। पता तो होना चाहिए ना कि आप मेरे स्टूडेंट्स हो, और अगर आप आए हो वाकई में आपके पास कुछ चीज मिली है, ऐसे ही नहीं दुनियाबाजी जो ब्ला ब्ला ब्ला, नो ब्ला ब्ला, पैसा बनाने का मंत्र सिखाते हैं भाई फ्री में भी, और साइकोलॉजी सीखनी है तो मेरा वर्कशॉप ज्वाइन करो, फ्री में स्ट्रेटेजी देता हूं, और उस स्ट्रेटेजी के ऊपर जो साइकोलॉजी यूज करनी है उसके पैसे, सच्चाई बेचता हूँ, दुकान खोली है, सच्चाई बेचता हूँ, नो ब्लफ बाजी, नो ज्ञान बाजी, पैसा कैसे बनाते हैं वही सिखाते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच सर, ये वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको समझ में आया और नए हो, फ्रेशर हो, तो भाई प्लीज हम्बल रिक्वेस्ट, मोस्ट पावरफुल इंट्राडे स्ट्रैटेजी CPR नैरो रेंज ORB, ये स्ट्रैटेजी प्लीज जाकर देख लेना। पहले स्ट्रैटेजी देखना, उसके बाद ये वाला वीडियो देखना, लाइव एग्जांपल आपको समझ में आएगा। भाई टाइम नहीं रह पाता, रोज बना सकता हूँ, रोज मेरा। अच्छा, कल का स्टॉक सिलेक्शन आपको दे दूँ? ये तो चलो आज का है, सैटरडे संडे खाली बैठे हो ना, क्या करोगे? तो कल का मैं आपको स्टॉक सिलेक्शन दे देता हूँ, नोटिस करना कि उसमें कैसा काम हुआ है, नहीं करा है। परसों का भी दे देता हूँ, मेरे पास तो सारा स्टॉक है सर, आप लोग रिकॉर्ड करते हैं वो इम्पोर्टेंट है। आ जाओ, देखो मैंने डायरी में नोट किया है, एक सेकंड डायरी निकाल दूं अपनी। एक सेकंड भाई, थोड़ा टाइम लगता है भाई। भाई कल के चार्ट देखना, टेक महिंद्रा का, ठीक है, टेक महिंद्रा देखना, कोरामंडलम देखना, पिडिलाइट इंडस्ट्री देखना, ओके? तो ये तीन स्टॉक्स कल देखना और बताओ आपके हिसाब से जो हमने स्ट्रैटेजी दी है डांस कर रहा है नहीं कर रहा है, निफ्टी जो स्ट्रैटेजी दी है डांस कर रहा है नहीं कर रहा है, बैंक निफ्टी जो स्ट्रैटेजी दी है डांस कर रहा है नहीं कर रहा है, ये पावरफुल मेरी स्ट्रैटेजी है, प्लीज जाके दोबारा देख लीजिएगा, आपको समझ में आएगा मेरे भाई। मार्केट प्लस मार्केट माइनस देख लीजिए, उल्टा पुल्टा पार्ट टू देख लीजिए, 920-925 की जो स्ट्रैटेजी है वो देख लीजिए, CPR स्ट्रैटेजी दी है वो देख लीजिए, और SRM स्ट्रैटेजी, ये वाली तो बिल्कुल देखना ना भूलिए, उल्टा पुल्टा पार्ट वन भी देखिए, CPR सर निफ्टी के भी दिए हैं, स्टॉक्स के दिए हैं, फ्यूचर्स के दिए हैं, जहां मर्जी जिस मार्केट में मर्जी लगा रहे पैसा बना, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, हैप्पी ट्रेडिंग टू ऑल ऑफ यू, आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और घर पे सेफ होंगे, प्लीज अपना ध्यान रखिए। और गाइस, गरीबों को अगर पैसा बना रहे हो मेरे थ्रू, आपको दो पैसा बन रहा है किंग रिसर्च की यानी कि स्ट्रैटेजी से, और आपको फायदा हो रहा है, मेरी रिक्वेस्ट है भाई, आस पड़ोस में जो गरीब है घर में कुछ बनाओ, दो रोटी एक्स्ट्रा बना कर किसी को दे के आ जाओ, ठीक है।
बस सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना है, आटा कच्चा दे देना, रोटी के लिए दे देना, जो मन करे भाई, जिस हिसाब से आप फील करना, कैश कोई नहीं देगा, पैसा नहीं देने, बिस्किट का पैकेट, नमकीन का पैकेट, जो आपको सही लगे थोड़ा सा लेके सर दे दो, अगर मेरी हेल्प हो रही है तो बस यही करना सर। मैं तो आपसे दुआ ले रहा हूँ और आप लोगों की भी किसी से दुआ मिल जाएगी। तो अगर 5,000 कमा रहे हो तो 500 रुपये तो बनता है, 10,000 कमा रहे हो 1,000 रुपये तो बनता है, 50,000 रुपये कमा रहे हो आप समझदार हो कितना तो बनता है। देना सीखोगे तभी मिलेगा, सिंपल सी बात है, दोगे तभी मिलेगा, कहते हैं ना प्यार दो प्यार लो। और सर ये ऐसी चीज है, आज आप कमा रहे हो तो कर पा रहे हो, नहीं कमा रहे हो तो कहाँ से करोगे। इंपॉर्टेंट ये दिमाग का पूरा गेम है, पूरा साइकोलॉजी गेम है। लव यू ऑल, थैंक यू सो मच, हैप्पी ट्रेडिंग टू ऑल ऑफ यू। सासुनार की। थैंक यू।